एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। एंड मैं मीशो से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी साड़ी, लहंगा, कुर्ता सेट, ड्रेस, फुटवेयर। एंड सभी के कोड आपने मुझे दिए थे, सभी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही प्रिटी प्रिटी है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड आज का वीडियो भी है रीसेलिंग वीडियो, जितने भी आउटफिट्स हैं सभी रीसेलिंग में हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी। तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मुझसे कनेक्ट रहिए, रीसेलिंग के लिए भी कनेक्ट रहो एंड वैसे भी पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड सभी की जो रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, तो आप ध्यान रखना। मीशो प्राइस का मतलब है मीशो पे उतने में वो मिल रहा है, उतनी रेट है मीशो पे, और रीसेलिंग प्राइस का मतलब है कि मैं आपको उतनी रेट में सेल कर रही हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है, इन 5 or 10 minutes सोल्ड आउट हो जाते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं, बस जो वीडियो में दिखा रही हूँ वो ही होते हैं। अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है डाउनलोडिंग लिंक, आप वहाँ से मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा, तो आप वहीं से मीशो डाउनलोड करना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके कोड इंस्टाग्राम पे भी दिए थे एंड मुझे कमेंट में भी देखने को मिले। एंड रियली मुझे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी एक साड़ी, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी लेकिन मीशो पे अवेलेबल नहीं थी। फाइनली ये इन स्टॉक हो गई है और अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, साइड में इमेज और प्राइस आपकी सभी को यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगी। एंड ये साड़ी है ना पूरी नेट फैब्रिक में है और इसका जो कलर है वो है सी ग्रीन कलर। लुक एट दिस साड़ी, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे भी ज़्यादा सुंदर है ये वाली साड़ी। एंड इसमें आपको प्लस पॉइंट ये है, नेट की साड़ी है तो पेटीकोट भी साथ में देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने पेटीकोट के लिए दिया हुआ है, साटिन का फैब्रिक, तो वो टेंशन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या पहनना है या फिर आपको मार्केट से खरीदना है, तो वो चीज़ भी नहीं है। आप बस आपको बस इसे स्टिच करवाना है, प्लस साथ में आपको इस तरीके का ब्लाउज का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। पेटीकोट का फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है, ये साटिन फैब्रिक है, ब्लाउज है थोड़ा थोड़ा टफेटा सिल्क में, और प्लस आपको ब्लाउज में इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है क्योंकि पूरी साड़ी पे सिक्वेंस वर्क है और इन्होंने ब्लाउज बिल्कुल सिंपल रखा है और 80 या 90 सेंटीमीटर के आसपास ब्लाउज है, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी है तो भी आपके आराम से आ जाएगा। एंड पूरी साड़ी आपको इस तरीके की नेट में देखने को मिल जाएगी। ये देख लो ना आप, कटवर्क किया हुआ है इसके ऊपर, प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं और मोती भी लगाया हुआ है, बीच बीच में बीट्स देखने को मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है साड़ी की, पहनने के बाद लाइट वेट है, किसी भी फंक्शन पार्टी के अकॉर्डिंग बेस्ट है एंड बहुत ही एलिगेंट सा लुक आएगा, इसको पहनने के बाद स्टाइलिश तो लगेगी ही। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। मुझे इसका बॉर्डर है ना जो ये कटवर्क किया हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है, प्लस ये गोल्डन सिक्वेंस लगाए हुए हैं, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग भी यार काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी। पूरी 5.5 मीटर की आपको इसी तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी और ये इन्होंने आंचल के लिए इसमें दिया हुआ है, इस तरीके का आंचल देखने को मिलेगा। आंचल पे आपको दोनों साइड ये वाली लेस देखने को मिल जाएगी, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये ब्यूटीफुल सा लहंगा, साइड में आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा। इसका भी कोड आप लोगों ने ही मुझे दिया था एंड जब मैंने इसे देखा यार मुझे लगा कितना डिजाइनर है, तो मैंने इसे पिक कर लिया। एंड इसके साथ एक और लहंगा पिक किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड ये पीच कलर का लहंगा देखने को मिल जाएगा। और आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये है अमेजोन से, वन पीस है पूरा, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, अफोर्डेबल प्राइस में एक स्ट्रेची फैब्रिक में वन पीस है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने पर, तो देखते हैं कैसा आया है। ओके, तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस लहंगा, मतलब ये मुझे डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा न्यू लगा। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा, सेमी स्टिच है, एक साइड से खुला हुआ है, जस्ट आपको इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है। एंड पूरे पे आपको इस तरीके के सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा आप वर्क देख रहे हो ना, ये सिक्वेंस का किया गया है, आपको पास से बता देती हूँ एक बार कितना नीटली किया हुआ है। प्लस इस तरीके का आपको नीचे बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कैन नहीं मिल रही है, बस बॉर्डर में आपको कैनवास लगी हुई मिलेगी, इतनी
बस बॉर्डर बॉर्डर तक। तो अगर आप इसका प्रॉपर लुक चाहते हैं या फिर हैवी लुक चाहते हैं, कैन स्कर्ट पहन सकते हैं या फिर कैन कैन अटैच करा सकते हैं, तभी इसका प्रॉपर लुक आएगा। बाकी लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसकी भी प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। जॉर्जेट फैब्रिक है, पीच कलर है, अंदर की साइड लाइनिंग है प्रॉपर, प्लस इसकी जो इस वेस्ट साइज है वो है अप टू 42 से अप टू 44, जो आपकी एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। एंड इसमें आपको जो ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया हुआ है वो दो तरीके के फैब्रिक देखने को मिल जाएंगे, दो तरीके नहीं दो फैब्रिक देखने को मिल जाएगी अलग अलग। फ्रंट के लिए आपको इस तरीके का फैब्रिक दिया हुआ है, स्टाइलिश है यार, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश बनेगा जब आप इसे स्टिच कराओगे। लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, वो तो आपको पिक्चर से क्लियर हो ही रहा होगा। ये आपको पूरा सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे एंड ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में है पीच कलर का। एंड बैक के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है, तो ये टोटल मेरा के फैब्रिक होगा 80 सेंटीमीटर के आसपास। तो अगर आप एक्सेल साइज तक है तो आपके आराम से जाएगा, और अगर आप स्लीव्स वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप अलग से भी फैब्रिक परचेस कर सकते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाएगा। नेट की स्लीव्स बनवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस तरीके का इसमें दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जॉर्जेट फैब्रिक का है एंड पूरे पे वो ही स्क्वायर शेप में सिक्वेंस बनाए हुए हैं। 2.25 मीटर का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। ये लहंगा काफी ज्यादा ट्रेंडी है और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आप कुछ न्यू लहंगा लेने की सोच रहे हैं न्यू पैटर्न में, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। काफी अच्छा लुक आएगा स्टिच कराने के बाद, प्लस आप इसमें प्रॉपर कैनकैन स्कर्ट के साथ पहनोगे तब इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो ये है जो नेक्स्ट लहंगा मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, इसका कोट इतना ज्यादा मुझे मिल रहा था, ये है एक फ्लेयर सूट। एंड पहनने के बाद या फिर मुझे मतलब पिक में देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, लेकिन इतने टाइम से मैं इसे मीशो पे देख रही थी और इन स्टॉक नहीं हो रहा था, बहुत टाइम हो गया, फाइनली ये इन स्टॉक हो गया तो मैंने पिक कर लिया। क्योंकि तो मैं आपको इसकी कुर्ती बताती हूँ, ये पूरा सूट है आपको रेयन फैब्रिक में देखने को मिलेगा और ये जो हाई नेक वाला पैटर्न है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, रियली कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लस ये आपको इस तरीके की प्लेन फ्लेयर कुर्ती देखने को मिल जाएगी, पूरा लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। साइज है मेरा इसमें स्मॉल, इसमें आपको सारे साइज देखने को मिल जाएंगे, प्लस बैक में आपको ना क्लोजर के लिए जिप दिया हुआ है, इस तरीके की जिप देखने को मिल जाएगी। यार ये सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगा, प्लस आप इसे बेल्ट के साथ जैसे पिक में दिया हुआ है वैसे पेयरअप कर सकते हैं, लुक काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आएगा, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, प्लस फ्लेयर भी इसका काफ़ी अच्छा है। बॉटम के लिए इन्होंने इसमें इस तरीके की पैंट दी हुई है, इलास्टिक वाली पैंट है, वो ही सेम फैब्रिक है रेयन फैब्रिक, एंड ये भी आपको पैरट ग्रीन कलर में ही देखने को मिल जाएगी। पहनने के बाद सूट काफ़ी स्टाइलिश होने के साथ साथ कंफर्टेबल है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है और किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो डेफिनेटली इस सूट को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी परचेज करना, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसका दुपट्टा है जो इस सूट के लुक को इन्हेंस कर रहा है, इस तरीके का आपको शेडेड दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, येलो एंड सी ग्रीन कलर के शेड में, पैरट ग्रीन एंड सी ग्रीन कलर के शेड में, एंड लुकिंग वाइज बहुत सुंदर लगेगा। और शिफॉन का दुपट्टा है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, सॉफ्ट है, प्लस इस तरीके की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी गोटे की, एंड यहाँ पे बड़े बड़े चारों तरफ टेसल्स देखने को मिल जाएंगे। 2.25 मीटर का दुपट्टा है, ये दुपट्टा ही है जो इसके लुक को इन्हेंस कर रहा है, प्लस उसकी जो नेक है वो। तो ये वाला सूट मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, प्लस स्टाइलिश है, और आप इस दुपट्टे को जैसे पिक में दिया हुआ था वैसे स्टाइल कर सकते हो, बेल्ट के साथ काफी अच्छा लुक आएगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बहुत ही प्यारी सी वन पीस ड्रेस, एंड सभी की मीशो प्राइस रीसेलिंग प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती जा रही हूँ, तो आप ध्यान रखना। एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रेस को पिक करने का रीज़न था कि ये मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लग रही थी, प्लस इसकी रेटिंग भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, तो मैंने ये पिक किया है। एंड लुक एट दिस, काफ़ी अच्छी है। मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में पिक किया है, आपको इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। एंड इस तरीके की आपको ट्रांसपेरेंट इस पर शोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जो प्रॉपर है ना इसमें नेट फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, अंदर की साइड प्रॉपर लाइनिंग लगाई हुई है, प्लस आप देख सकते हो ये बटरफ्लाई लगाए हुए हैं ऊपर से, और ये स्टिच किए हुए हैं बहुत ही अच्छे से, 3/4 स्लीव्स है इसमें, एंड नीचे का जो फैब्रिक है ना कुछ विस्कोस रेयन टाइप का है, और यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा जिससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी, ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग इसका शेप
हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। लेंथ आपको प्रॉपर साइड में क्लियर हो जाएगी। साइज है मेरा स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पर मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था तो मैंने ये पिक कर लिया। पिंक कलर भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ड्रेस लगी। अगर आप किसी कैजुअल में पहन सकते हैं और किसी भी अगर पार्टी वार्टी में जाना है, नाइट आउट के लिए जाना है, मार्केट जाना है, मॉल जाना है, कहीं पे भी जाना है, पहन सकते हैं। उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है यार। 500 रुपीज़ के आसपास है मे बी, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किए हैं वो है फुटवेयर, एंड ये वाले फुटवेयर आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। एक सेकेंड, आपको कुछ इस तरीके के फुटवेयर देखने को मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे फुटवेयर अभी मैं मीशो से परचेज कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। प्लस ये रेनबो फुटवेयर है, इसमें लाइटिंग का इफेक्ट होता है, लाइक आपको पता ही होगा, मे भी बहुत सारे लोगों के पास होंगे भी ये वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है अभी। इसमें आपको काफ़ी अच्छी हील्स देखने को मिल जाती है। इस हील का साइज होगा मे बी 2.5 इंच से तो ऊपर है, 3 इंच के आसपास ये वाली हील होगी। एंड इसका सोल है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेदर की क्वालिटी अच्छी है। प्लस ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप इसके ऊपर लगाई हुई है बहुत अच्छी लगती है। ये वेस्टर्न और एथनिक दोनों के ऊपर आराम से चले जाते हैं। इंडियन के ऊपर पहन सकते हो सूट वगैरह के ऊपर, एंड जीन्स वगैरह वेस्टर्न के ऊपर, वन पीस के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। लाइट की आती है इस पर तो कलर चेंज होने लग जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, प्लस पहनने के बाद कम्फर्ट टेबल है। और क्या चाहिए, मतलब हील्स में यही होता है कि यार पहनने के बाद कंफर्टेबल फील हो प्लस स्टाइलिश हो, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट लगे, पर मे बी मीशो पर शायद आउट ऑफ स्टॉक है। अगर इन स्टॉक हुए आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले लेना जो भी साइज है। तो ये है जो हील्स मैंने पिक किए हैं। ये था आज का मीशो हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस गिव अवे भी आने वाले हैं, लास्ट गिव अवे के विनर्स भी अनाउंस होने वाले हैं 1-2 दिन में, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं और आपसे वीडियो मिस हो जाती है। फिर आप मुझसे पूछते हैं दी आपने ये कहाँ से लिया था, वो कहाँ से लिया था। प्लीज़ यार आप मेरी वीडियो रेगुलर देखो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो भी 2 PM पे मेरी वीडियो आती है तो देखना मत भूलना। एंड इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताओ। एंड और कुछ देखना चाहते हो मीशो से तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।